Hello students, welcome back to my channel. Today I have come with a new story, A Handful of Dates, written by Taib Salih. A Handful of Dates is a wonderful short story about a boy who loves and respects his tall and slim grandfather so much that he wants to grow up into a tall man like him. First of all, I shall tell you about the characterization of the story. What are the main characters of the story? The story has three important characters: the young boy, the grandfather, and the neighbor Masood. The young boy is loving, intelligent, and submissive. इसमें जो young boy है जो वो काफ़ी intelligent है, submissive है और loving है. He is punctual to mosque in learning the Quran. वो mosque में अक्सर जाता है और वहाँ पर Quran पढ़ता है. And providing every service to his grandfather. Even that कि वो अपने grandfather को हर तरह की service provide करता है. He learns with interest which endears him to his grandfather. Even the sheikh at the mosque makes him recite the holy verses of the chapter of the merciful whenever there are any special guest. जब भी mosque में special guest आते हैं या किसी तरह की assemblies वहाँ पर होती हैं तो वहाँ पर वो कुरान में से chapter of merciful पढ़ता था, recite करता था, जिससे वो सबका favorite बन गया था. Now come to the summary of the story. The young boy of the story is the narrator of the story. The story is about a young boy who adores his grandfather to such an extent that he wanted to emulate him as a role model. वो अपने grandfather से इतना love करता है वो young boy कि वो अपने grandfather को अपना role model मानता है. The grandfather too loved him dearly for being intelligent, hardworking and obedient. उसके grandfather भी उसको काफ़ी love करते हैं क्योंकि वो काफ़ी intelligent था, hardworking था और obedient भी था. जो भी उसके grandfather उसको बोलते थे वो उसको पहले ही कर देता था. He loved to take the boy along whenever he went for an outing. जब भी उसके grandfather कहीं बाहर outing के लिए जाते थे तो वो अपने साथ उसको ज़रूर लेके जाते थे. द ग्रैंड फादर हैड अ चेरिशमैटिक पर्सनैलिटी विथ टॉल स्टेचर एंड स्पार्किंगली फ्लोइंग वाइट बियर्ड. अब उसके जो ग्रैंड फादर थे उनकी काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, उनकी जो बियर्ड थी बिल्कुल वाइट कलर की थी. द बॉय ब्लाइंडली फॉलोड हिम विदाउट हैविंग एनी डाउट अबाउट हिज इंटेंशंस. और वो जो यंग बॉय था नरेटर ऑफ द स्टोरी वो ब्लाइंडली अपने ग्रैंडफादर को फॉलो करता था. दैट मीन्स जैसे वो करते थे वो वैसे ही करना चाहता था, उनको फॉलो करना चाहता था, वो उनको अपना रोल मॉडल मानता था. उसको बिल्कुल किसी तरह का डाउट नहीं होता है कि मेरे ग्रैंडफादर की इंटेंशंस क्या हैं. देयर लिव्ड अनदर पर्सन इन देयर नेबरहुड, हिज नेम वाज मसूद. पहले भी जैसे मैंने कैरेक्टराइजेशन में बताया था कि उनके एक नेबर थे मसूद. हाउएवर द ग्रैंडफादर डिसलाइक्ड हिम, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसको डिसलाइक करते थे एंड डिस्क्राइब्ड हिम एज एन इंडोलेंट एंड लेजी पर्सन. नरेटर ऑफ द स्टोरी जो है यंग बॉय वो मसूद को काफ़ी लाइक करता था, वो उसकी वॉइस को काफ़ी लाइक करता था क्योंकि मसूद काफ़ी अच्छी सिंगिंग भी करता था, उसकी ब्यूटीफुल वॉइस थी, पावरफुल लाफ थी. लेकिन उसके जो ग्रैंडफादर थे वो उसको डिसलाइक करते थे मसूद को. वो बोलते थे कि ये जो मसूद है ये एक लेजी पर्सन है, ये एक इंडोलेंट पर्सन है. विद द पैसेज ऑफ टाइम द यंग बॉय लर्नड दैट ऑल द लैंड्स हिज ग्रैंडफादर पोजेस्ड हैड बिलोंग टू मसूद एट वन टाइम. द ग्रैंडफादर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मसूद्स वीकनेस फॉर वुमेन एंड द फाइनेंशियल कंपल्शंस मेड हिम सेल अबाउट 2/3 ऑफ द लैंड एंड इवन इंटेंडेड टू ग्रैब वट एवर लिटल वॉज लेफ्ट विद मसूद. जैसे ही टाइम गुजरता गया उस यंग बॉय को पता चलने लगा कि मेरे ग्रैंडफादर के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी लैंड है, वो पहले किसकी हुआ करती थी, मसूद की हुआ करती थी. ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने इस बात का एडवांटेज लिया था क्योंकि मसूद जो थे उनकी वीकनेस थी फॉर वुमेन. वो वुमेन से उन्होंने काफ़ी, ही वॉज मच मैरिड मैन, उन्होंने काफ़ी शादियां की थी जिसकी वजह से वो हर बार अपनी लैंड जो थे वो बेच देते थे
फाइनेंशियल कंपल्शंस की वजह से, जिसकी वजह से उसकी सारी लैंड जो है वो उसके ग्रैंडफादर के पास चली जाती है यंग बॉय के, और मसूद के पास काफ़ी लिटल रह जाता है। इट वॉज़ ड्यूरिंग वन हार्वेस्टिंग सीजन दैट द यंग बॉय गॉट अ चांस टू नो हिज ग्रैंडफादर थ्रू एंड थ्रू। एक बार उनकी हार्वेस्टिंग थी डेट पाम्स की, डेट्स के पाम ट्री थे उनके काफ़ी सारे, तो उसकी हार्वेस्टिंग थी। तो उस हार्वेस्टिंग के ड्यूरिंग उस यंग बॉय को चांस मिलता है अपने ग्रैंडफादर के प्रति और अच्छी तरह से जानने के लिए। ऑल द डेट्स दैट वर हार्वेस्टेड एक्चुअली बिलोंग टू मसूद, बट सरप्राइजिंगली द डेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ग्रैंडफादर एंड सम अदर, लीविंग नथिंग एट ऑल फॉर मसूद। द बॉय वॉज शॉक्ड टू सी द ट्रू कलर्स ऑफ हिज ग्रैंडफादर। वो सारी जो डेट्स थी, वो सारी जो हार्वेस्टिंग हुई थी डेट्स की, वो सारी मसूद की थी। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जैसे ही हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती है, वो सारी डेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं मेरे ग्रैंडफादर और बाकी कुछ मेंबर्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये सब देख के वो बॉय जो है यंग बॉय वो शॉक्ड फील करता है कि मेरे ग्रैंडफादर ऐसा कैसे कर सकते हैं। ही फेल्ट डिस्गस्टेड विद हिज ग्रीड एंड अपॉर्चुनिज्म। उस बच्चे को अपने ग्रैंडफादर का ग्रीड देख के, वो किस तरह से बिहेव कर रहे थे, ये सब देख के उसके दिल में थोड़ी सी हेटर्ड शुरू हो जाती है अपने ग्रैंडफादर के लिए। Meanwhile, his grandfather and some other person formed a circle round the sacks of dates and began to examine them. They then divided up the sacks among themselves. Suddenly, the grandfather said to Masood, "You are still 50 pounds in debt to me." अचानक उसके grandfather अपने आपस में ये डिवाइड करने के बाद भी उसको मसूद को कुछ बोलते हैं कि यू आर स्टिल 50 pounds इन डेब्ट टू मी, अभी भी आपने 50 pounds जो है मेरे देने हैं, अभी भी आपके ऊपर उधार है मेरा, आपने मेरा उधार देना है 50 pounds का। तो दैट मीन्स वो किस तरह से बिहेव कर रहे थे मसूद के साथ। द ग्रैंड फादर हैड आउट ऑफ लव गिवन द बॉय अ हैंडफुल ऑफ डेट्स टू टेस्ट एंड ईट। However, the sensitive boy developed such hatred for his grandfather that he ran away from his sight and at a distance spewed up the dates. अचानक क्या होता है, उसके grandfather उसको जैसे ही handful of dates देते हैं कि तुम भी खा लो, थोड़ा सा टेस्ट कर लो, इसको टेस्ट करो, डेट्स को टेस्ट करो, तो उस बच्चे को तब तक अपने ग्रैंडफादर से नफ़रत हो गई होती है, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव बॉय था। उस नफ़रत को, उस हेटर्ड को शो करने के लिए वो अपने ग्रैंडफादर की साइड से दूर भाग जाता है, डिस्टेंस में चला जाता है, काफ़ी दूर चला जाता है, जबकि उसके ग्रैंडफादर उसको आवाज़ देते हैं वो रुकता नहीं है, काफ़ी दूर चला जाता है डिस्टेंस में, एंड स्प्यूड अप द डेट्स, और जो डेट्स उसके ग्रैंडफादर ने उसको खाने के लिए दी थी, मंचिंग के लिए दी थी, वो उसको स्प्यूड अप कर देता है, मीन्स कि बाहर निकाल देता है। Thereby expressing complete disregard and disgust for his selfish and mean grandfather. इससे वो ये बताना चाहता है कि वो अपने grandfather से नफ़रत करता है, वो उनकी selfishness को जान गया है कि उसके grandfather कितने mean हैं, कितने selfish हैं, उन्होंने जिस तरह से मसूद के साथ behave किया था। This was all about the summary of the story. Now come to the theme or message of the story. This story, A Handful of Dates, has a very important message to convey. The story highlights the age-old truth that appearances can be deceptive and actions speak louder than the words. ये story ये बता रही है कि अपीयरेंसेस पे हमें नहीं जाना चाहिए, ये डिसेप्टिव हो सकती हैं या आपको धोखा दे सकती हैं। जैसे उसके फादर काफ़ी उनकी अपीयरेंस काफ़ी अच्छी थी, वो देखने में उनका बिहेवियर इतना अच्छा था कि लगता ही नहीं था कि वो इस तरह का बिहेव एक पर्सन, एक नेबर के साथ कर सकते हैं।
एंड एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आपकी एक्शंस जो हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं, आप कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। द ग्रैंड फादर फ्राम हिज फिजिकल अपियरेंस अपियर्स टू वी आर डीपली रिलीजियस एंड पॉइस सोल वट इन रियालिटी प्रूव्स टू बी अ डेविल फिल्ड विद सेल्फिश एंड अपॉर्चुनिस्टिक डिज़ाइंस। ऐसे तो उनके ग्रैंडफादर फिजिकल अपेयरेंस उनकी इतनी अच्छी थी और वो ऐसे लगते थे जैसे कि बहुत ही रिलीजियस हैं, कुरान पढ़ते थे, लेकिन असल में वो प्रूफ होते हैं एक डेविल जिस तरह से वो सेल्फिश एक्टिविटीज़ करते हैं। His greed knows no bounds and he leaves no stone unturned to grab Masood's land without feeling any pity on him. उनको मसूद अपने नेबर पे बिल्कुल भी दया पिटी नहीं आती है और वो हर तरह की कोशिश करते हैं कि वो उनकी बची हुई लैंड सारी लैंड को हड़प लें। Thus in the words of Shakespeare, One may smile and still be a villain. That means कोई person कितना भी smile करता है देखने में बहुत अच्छा लगता है, smiling face है उसका, लेकिन अंदर से वो villain हो सकता है, वो आपको कहीं पे भी नुकसान पहुंचा सकता है। That means हमें appearances पे नहीं जाना चाहिए, actions को देखना चाहिए। At the end, I have taken the title of the story. थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिया है टाइटल आपको थोड़ा सा बताने के लिए। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ रियली स्ट्राइकिंग। द बॉय रिसीव्स अ हैंडफुल ऑफ डेट्स फ्राम हिज ग्रैंडफादर। अब स्टोरी का नाम क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। अ हैंडफुल ऑफ डेट्स, तो इस स्टोरी का नाम हैंडफुल ऑफ डेट्स जो है इट्स वेरी सूटेबल। द बॉय रिसीव्स अ हैंडफुल ऑफ डेट्स फ्राम हिज ग्रैंडफादर, क्योंकि इस स्टोरी में आपने देखा कि वो बॉय जो है हैंडफुल ऑफ डेट्स लेता है अपने ग्रैंडफादर से, मुट्ठी भर के डेट्स लेता है। एट फेस वैल्यू ही टेक्स देम एज द टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन। अब सामने तो वो इस तरह से बिहेव करता है कि वो ले लेता है और उसको मंचिंग करना भी शुरू कर देता है, वो एक टोकन ऑफ लव और अफेक्शन समझता है अपने ग्रैंडफादर का। व्हाट वंस द रियलिटी ऑफ हिज ग्रैंडफादर डांस अपॉन हिम। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है अंदर से रियलिटी ग्रैंडफादर की, वो समझता है ही इज़ फिल्ड विद डिस्गस्ट एंड हेटेड फॉर हिम, और वो धीरे धीरे अपने ग्रैंडफादर के लिए डिस्गस्ट से भर जाता है, हेटर्ड से भर जाता है। ही स्प्यूज आउट द डेट्स टू एक्सप्रेस हिज डिसरिगार्ड फॉर हिज ग्रैंडफादर्स ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, और वो उन डेट्स को स्प्यू आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है, वो खाता नहीं है, उसके अंदर नहीं जाती हैं वो डेट्स। क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि वो ये बता रहा है कि मुझे अपने ग्रैंडफादर से इतनी नफरत हो गई है उनकी ग्रीड की वजह से, उनकी सेल्फिशनेस की वजह से, कि मैं डेट्स नहीं खा सकता, मुझे अपने ग्रैंडफादर से नफरत है, मैं उनकी दी हुई डेट्स को नहीं ले सकता अंदर। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।